चुनाव नतीजे 3 दिसंबर को सामने आएंगे, उससे पहले चुनाव आयोग ने भी अपनी कमर कस ली है। अधिकारी कर्मचारियों को मतगणना के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि काउंटिंग के दिन किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। चुनाव नतीजे 3 दिसंबर को सामने आने वाले हैं, इससे पहले सभी राजनीतिक दलों की धड़कनें तेज हैं। वहीं प्रदेश की जनता को भी चुनाव परिणाम का बेसब्री से इंतजार है। रिजल्ट को लेकर चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अधिकारी कर्मचारियों को मतगणना की ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग में सिखाया जा रहा है कि किस तरह से मतपत्र और ईवीएम मशीन में वोट की गिनती करना है। प्रोफेसर संजय दीक्षित ने बताया कि ट्रेनिंग में वित्त विभाग, सांख्यिकी विभाग के प्राध्यापक, अकाउंट डिपार्टमेंट के ऑडिट से संबंधित सभी लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। डाक मतपत्र की गिनती कैसे करना है और ईवीएम मशीन से वोट की गिनती कैसे करना है, इसके बारे में विस्तार और क्रमबद्ध तरीके से बताया जा रहा है। ये मतगणना से संबंधित ट्रेनिंग का द्वितीय सत्र है। पहला सत्र सुबह 9 बजे से 1 बजे तक समाप्त हो चुका है। इसमें वित्त विभाग के, सांख्यिकी विभाग के प्राध्यापक लोग, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के ऑडिट से संबंधित सभी व्यक्तियों को ट्रेनिंग दी जा रही है विभिन्न विभागों की। ये ट्रेनिंग हम दो प्रकार की ट्रेनिंग दे रहे हैं, डाक मतपत्र के द्वारा किस प्रकार से गणना की जानी है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा किस प्रकार से गणना की जानी है, उसकी विस्तार से क्रमबद्ध तरीके से उनको बताया जा रहा है कि क्या गतिविधियां आपको उस समय करनी है। तो इसमें जैसे आपको मालूम है, डाक पत्र मतपत्र की गणना सुबह 8 बजे प्रारंभ हो जाती है और आधे घंटे बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की गणना उसके बाद मतलब 8:30 बजे शुरू होगी। तो डाक मतपत्र की गणना में क्या गतिविधियां होंगी, किस प्रकार से डाक मतपत्रों को खोला जाना है, किस प्रकार से घोषणा पत्र की समीक्षा की जानी है, किस प्रकार से प्रारूप 13 जितने भी प्रारूप हैं अ ब स उनको समीक्षा करते हुए डाक मतपत्रों की गणना की जानी, ये विस्तार से बता रहे हैं। उसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम अलग अलग विधानसभा वार कुल 14 टेबलों पर पहुंचेंगी, वो किस प्रकार से पहुंचने वाली हैं, वहाँ पे काउंटिंग बूथ में कौन कौन बैठेगा, क्या क्या उनके काम हैं, किस प्रकार से पोलिंग एजेंट्स को पारदर्शिता के साथ मतों की गणना की जानी है, इसके बारे में विस्तार से बताया जा रहा है। प्रोफेसर संजय दीक्षित ने बताया कि डाक मतपत्र की गिनती के लिए अलग अलग विधानसभा में अलग अलग टेबल हैं। सबसे ज्यादा टेबल दक्षिण पश्चिम और गोविंदपुरा विधानसभा में लगेगी। डाक मतपत्र में अलग अलग विधानसभाओं में अलग अलग टेबल हैं, जैसे सबसे ज्यादा 152 दक्षिण पश्चिम और 154 जो हमारी गोविंदपुरा है उसमें 4-4 टेबलें लगाई जाएंगी। 155 हुजूर में 3 टेबल डाक मतपत्र के लिए लगाई जा रही, बाकी सभी विधानसभाओं में 2-2 टेबल डाक मतपत्रों की गणना के लिए लगाई जा रही। इसके अतिरिक्त ETPBS जो इलेक्ट्रॉनिकली वोट आते हैं हमारे सैनिकों के, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं या आर्मी में पदस्थ लोग हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उनको भेजे जाते हैं जो डाक से लौटते हैं, उसकी एक अलग प्रक्रिया है, वो एक अलग टीम है, तो वो उसकी सबकी एक एक टेबल वहाँ पर लगेगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।